मौजूद है, ये एक्चुअली जेल का नंबर 1 और नंबर 7 विंग है, यानी कि विंग्स के काउंटिंग जो है वहां से स्टार्ट होगा क्लॉक वाइज। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, वो है नंबर 1 और ये नंबर 7 है। नंबर 7 विंग इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर के लास्ट रूम जहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट है। ऊपर चलते वक्त उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी विंग के नीचे कॉर्नर के चार रूम, इन चार रूम को बोलता है कंडम सेल्स। वैसे देखिए कंडम सेल्स खास उन कैदियों के लिए बनवाया गया जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, फांसी का सजा सुनाया गया, तो आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा जाए। ओके, कहते हैं कि उन दिनों अगर यहाँ पे किसी को भी रखोगे तो उनके ऊपर कोई टॉर्चर या पनिशमेंट नहीं होगा, अच्छा फूड वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड होगा। वहाँ से सीधे सामने की ओर लेकर आते हैं, जो व्हाइट वाली जो सीढ़ियाँ ना, इसको बोलते हैं प्लेस फॉर लास्ट राइट्स या फिर प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स। यहाँ पे उनका अच्छा लास्ट रिचुअल्स होता था, लास्ट बात रिलीजियस बुक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उनसे ये इच्छा पूछी जाती है इस प्लेस पे। ये आखिरी इच्छा क्या होता है कि मरने के बाद उनके बॉडी को किस धर्म के हिसाब से क्रियाकर्म किया, उसके बाद यहाँ से सीधे सामने ले जाएगा फांसी घर की ओर, जो अभी आप लोग आगे देखेंगे। तो वो जो फांसी घर है उसको रेनोवेट किया गया, अभी मैं आपको भेजूंगा देखने के लिए। तो जो वुडन स्ट्रक्चर आप लोग जो देख रहे हैं उसको बाद में किया गया है। तो आप लोग अभी इस पे क्या क्या चीजें पुराने देख सकते हो, जब सामने की ओर छोटा सा डोर है उसे जब आप अंदर की ओर देखोगे तो नीचे जो प्लेटफॉर्म दिखेगा, प्लेटफॉर्म उसको पुराना है। उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप लोग देखोगे बीच के हिस्से में एक ट्रैप डोर जो नीचे ऐसे खुलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा आयरन लीवर और ऊपर का बीम, इतनी सारी चीज पुरानी है। लेकिन इनमें जो तीन रस्से अभी मौजूद है, तीनों रस्सों को रस्से पे जब आप ध्यान से देखोगे तो देख पाएगा उन रस्सों के बीच में एक आयरन रिंग। तो बेसिकली इसका यूज क्या था, जब लीवर को खींचेगा तो ट्रैप डोर नीचे की तरफ ऐसे खुल जाएगा, जो भी ऊपर खड़ा हुआ क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैंग होते हुए एज सून एज पॉसिबल स्लिप करने के लिए और स्पाइनल कोर्ड को तोड़ने के लिए हिट करेगा, यानी कि रोप के बीच में रिंग ऐसा होगा जैसे स्लिप करेगा और उसको हिट करेगा। ट्रैप डोर के नीचे एक 8 फीट का रूम है जो बॉडी को डालने के लिए। अब इस पर कितनों को फांसी चढ़ाया गया या फिर एक सर कितनों को दिया गया, ऐसा आज हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 1942 से 1945 जब यहाँ पे जापनीज पीरियड था 3 साल के लिए, उन दिनों बहुत सारे रिकॉर्ड्स आइदर डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए। तो अभी आप लोगों को फांसी घर देखना है, देखते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, शॉर्ट हाइट है, सर बचाते हुए देखिएगा। नीचे एक रूम है, उस रूम पर जाने की जरूरत नहीं, मेनली आपको डोर से अंदर देखना है, अंदर देख कर बाहर आएगा, जहाँ पे खाली होगा मैं आपको पहले वहाँ ले जाऊँगा। चलिए वहाँ से जाकर आइए। ये फांसी घर है, ये तीन रोप्स हैं और ये लीवर नीचे, ये लीवर लगा हुआ है और यही लीवर खींचते हैं, तो ये तीन जो वाइट दिख रहे हैं यही ओपन हो जाते हैं, जिससे उनकी वो गर्दन की नस कट जाती है। अभी हमने फांसी घर देखा, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी और नीचे वो स्थान है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी इकट्ठा होती थी और वो ऊपर लाए जाते थे। फांसी पूर्व अंतिम क्रिया स्थल, प्लेस फॉर लास्ट रिटवल्स बिफोर एग्जीक्यूशन, ये यहाँ पर उनको नहलाया जाता था, सब कुछ अंतिम संस्कार किया जाते थे, शांति और अनुशासन बनाए रखें। ये एक वर्कशॉप है जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को हार्ड वर्क किया जाता था। ये कौन कौन से काम लिए जाते थे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जी फिलहाल अभी हम जहाँ पे मौजूद है ये एक्चुअली जेल का एक वर्कशॉप है, इसका फाउंडेशन वही है, जगह वही है, खाली इसमें जो चेंजेस आए हैं जैसे कि नीचे की ओर फ्लोरिंग, साइड की लकड़ियाँ, ऊपर के शीट, ये सब टाइम चलते हुए बदला गया। तो जैसे आप लोगों ने अंदर आया देखिए, पहला स्पॉट ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये ऑयल मिल की ओरिजिनल है। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को ऑयल मिल में काम देता है उनको पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड जो है सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल निकालना होगा। अब ये कैसे निकाला जाएगा, नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं कोबरा, कोबरे को इसके अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये जो रॉड के बीच में देखिए वेट डाला गया। अब एक बार वेट डालने से क्या होता है, इस पर एक चेन बंधा हुआ जिसके चलते बीज कैसे ऐसे बैंड हो जाएगा और अंदर जो पड़ी हुई है वो इजीली नष्ट हो जाएगा। उसके बाद उन फ्रीडम फाइटर्स को ये जो रॉड है इसको पकड़ते हुए करीब करीब 8 से 9 घंटे तक कंटिन्यूसली स्पीड स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये लोग स्लो डाउन होते हैं, रुक के लड़खड़ाते हैं, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगा देते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा।
कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है जिसपे मेंशन है कि अगर ये लोग 10 हार जाएंगे तो इनके हाथों को उसपे बांधने के बाद जैसे कैटल से फोर्सफुली काम कराते ना कोल पे जैसे बैल को काम कराते हैं करवाते हैं वैसे काम भी करवाते हैं। उसी तरह जेल के अंदर और भी बहुत सारी पनिशमेंट्स थे उनमें से एक था क्वायर पॉन्डिंग नारियल के रस्से बनवाने का काम। देखिए डुबोके रखा जाएगा बहुत देर तक जब कोई भी चीज पानी में रहेगा तो क्या होगा इस पर एक सॉफ्टनेस आती है। पानी से बाहर निकालते हुए वुडन लॉक लकड़ी के जो बड़े बड़े लॉक के ऊपर रख के ये वुडन हैमर से उसको मारना होता है। अब मारने कूटने में क्या होगा इनमें से बहुत सारे रेशा बनते हैं जो रेशा होता है ना फाइबर ये निकलता है। अब इन फाइबर्स को पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा। एक बार सुखाने के बाद देखिए ऐसे हैंड मशीन यूज करते हुए नारियल के रस्से बनाते थे। अब इसको कैसे फंक्शन में लाते देखिए यहाँ पे एक हैंडल है पूंछ पे जो फाइबर को रखोगे उसके बाद हैंडल को रखोगे तो ये क्या होता है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं जिससे क्या होगा फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और नारियल के रस्से। अब इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा इसकी जो भी टास्क होगा इनका जेलर जमादार इन सबके ऊपर डिपेंड होगा कि किस कैदी से कितने मात्रा में काम करवा रहा है। उसी तरह उन्हें जेल के अंदर जितने भी पनिशमेंट्स थे उनमें से वन ऑफ द टफ पनिशमेंट जिसको बोलते हैं वो है प्लॉगिंग पनिशमेंट। आगे आएगा थोड़ा कोड़े को ये देखिए ये है प्लॉगिंग ट्रेन ये ओरिजिनल है इसको हिंदी में बोलते हैं टिकटिकी। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को प्लॉगिंग करते हैं इनको सबसे पहले टोटली नेकेड किया जाएगा। इनके दोनों हाथ और दोनों पाव को स्टैंड के साथ लॉक भी करते हैं। एक बार हाथ और पाव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर एक कॉटन क्लोथ रखा जाएगा जिसको इधर बेल्ट या फिर रस्से वगैरह से टाइट से बांध दिया जाएगा ताकि ये लोग मूवमेंट ना कर पाए। देन पनिशमेंट स्टार्ट। अब जो भी पनिशमेंट देता है ब्रिटिश ऑफिसर वो जमादार टेंडन पेटी ऑफिसर जो भी बिलोंग करते हैं मैक्सिमम कोड़े मैक्सिमम स्टिक जो इनके बटक्स की ओर इसी जगह पर मारते हैं। कंटिन्यू के एक जगह पे कोड़े पड़ने से क्या होगा अगर स्किन पड़ जाए चमड़े पड़ जाए तो इनको डबल पेन होगा नीचे रेट नहीं पाएगा बैक नहीं पाएगा चल नहीं पाएगा टॉयलेट पे कर पाएगा ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जगह बाकी फिटर पेटर जो मौजूद तो उसके लिए भी कैसे थी और जो न्यू का मसला उनका चैन फिटर पेटर जंजीरें किस तरह से लगाई जाती थी ये अलग अलग यहाँ पे और ये क्या पनिशमेंट ड्रेस है ये। उसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पनिशमेंट ड्रेस। देखिए जेल के अंदर पूरे 693 रूम थे और हर एक रूम जो है सॉलिडली कन्फाइंड करते एक रूम में एक ही कैदी को रखते थे। इनको अगर आपस में बातचीत करता हुआ पाया गया या तो किसी ब्रिटिश ऑफिसर के साथ किसी ने आर्गुमेंट कर ली काम करने से बाहर ऐसे सारे केसेस में उनको पनिशमेंट पीरियड डिक्लेयर करते हुए ड्रेस को पहना दिया जाता है। अब इस ड्रेस पहनने से क्या होगा इनके ऊपर इचिंग रिएक्शन स्किन नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ देखिए यहाँ पे तीन फिटर्स हो गए कैसे कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर कष्ट सहे हैं। काला पानी इसीलिए बोलते थे इसको। बिल्कुल राइट हैंड साइड बात देखिए एल शेप में बनी हुई है वो जो देख रहे हैं ना वो इसका लॉकिंग सिस्टम है। ये इसलिए इतना दूर बनाया गया ताकि अगर कोई कैदी अंदर मौजूद उनके हाथ में चाबी भी मिले तो क्या होगा अंदर से हाथ बाहर तक नहीं पहुंच पाएगा विदाउट एनी हेल्प इसको खोल नहीं सके उस हिसाब से इसको बनवाया गया। किसी भी रूम में कोई वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम कोई फैसिलिटी नहीं था। इनको रूम के अंदर एक छोटा सा वुडन बेड एक ब्लैंकेट खाना खाने के लिए एक बर्तन पानी पीने के लिए छोटा सा एक बाउल और एक मिट्टी का कटा जो क्ले पॉट होता है अर्थन पॉट ये जो इनको रूम में प्रोवाइड होते थे। तो जनरली क्या होता था जब मॉर्निंग आवर्स में इनको रूम से बाहर लाते दिन में तीन वक्त लाते थे इनको कुछ पल के लिए मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग में। तो कुछ वक्त के लिए जब इनको लाते थे बाहर हर विंग के सामने में जो है ओपन शेड थी जिसपे 15-20-25 कैदी टॉयलेट बाद ये सारे फैसिलिटी ले सकते थे। लेकिन जब शाम को एक बार अंदर लॉक हो गया उसके बाद अगर उनको टॉयलेट वगैरह करनी है उसी क्ले पॉट को यूज़ करना है उसी मिट्टी के घड़े को यूज़ करते हुए पूरी रात अंदर रहेगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऐसा क्लीनेस वगैरह होगा।
ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीन फ्लोर का था सेलुलर जेल। तीनों फ्लोर को देखे जाने का एंट्रेंस वही है वो जो आप मेन गेट देख रहे हैं। अब वहाँ से सेंट्रल टावर जाएंगे, सेंट्रल टावर से ही हर विंग्स पे जाने का कनेक्टिविटी था। अब वो जो बीच की जो कनेक्टिविटी आप लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, देखिए बीच में रेलिंग है, वो जो कनेक्टिविटी है वो अभी परमानेंटली फिक्स हो, अदरवाइज पहले वो रिमूवेबल था, डिटैचेबल था, कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हटाने के हिसाब से। अब इससे क्या फ़ायदा था कि सोचिए अगर किसी एक रात के वक्त एक विंग के अंदर कुछ असंतोष पैदा हुआ, इस विंग वाले क्रॉस करते हुए सेंट्रल टावर और सेंट्रल टावर से दूसरे विंग पे जा नहीं पाए। मिनिमम गार्ड्स, मैक्सिमम इनमेट्स, उस हिसाब से इस जेल को प्लान करते हुए ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया। ओके, इसको बोलता है आइडिया ऑफ पनोप्टिकम। तो आप लोग जब यहाँ से भी मेरे साथ आगे जाएंगे, पहला जो रूम है, ये जो स्टेयर्स है ना, वहाँ पे पहला एक रूम है, उस रूम के अंदर एक फोटोग्राफ है, जिनका फोटोग्राफ वहाँ पे मौजूद है, उनका नाम है सचिंदर नाथ सानियल। अंडमान के अंदर इनको उनका भी बहुत नाम था, इनको भी दो बार यहाँ पे सजा के तहत लाया गया था। बेसिकली क्या था, इस जेल के अंदर किसी का भी कोई रूम फिक्स नहीं था, और 10 to 45 days में रूम को बदलते थे। तो उनका रूम यहाँ पे एक छोटा सा बेड है, एक कंबल और कुछ खाने का जो बर्तन वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, सेम सैंपल्स ऊपर भी है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर चलेंगे, ऊपर चलते वक्त आप लोग देखोगे ऊपर जो सैंपल्स वगैरह ऊपर भी देख सकते हैं। तो इसके बाद वाली बाजू वाली जो रूम है, उस रूम में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो उसका लॉकिंग सिस्टम डोर सब इससे है। ये जो आप लोग देख रहे हैं सेंट्रल टावर के नीचे के हिस्से में, तो ब्रिटिश द्वारा जब इस जेल को बनवाया गया उसका विंग्स था, आप लोग देख रहे हैं 7 विंग। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो देखिए सबका साइज अलग अलग है, किसी का साइज बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है। क्या कारण था, जेल बनने से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ को काटा गया, सी लेवल से 60 फीट लेवल करते हुए उन दिनों जेल को बनवाया गया। उस वक्त उनको जैसे जैसे स्पेस अवेल था उस हिसाब से विंग्स को बड़ा छोटा बनाया गया, इसीलिए नंबर ऑफ सेल्स हर विंग में अलग था, बट साइज ऑफ द सेल। 41 का मेजर अर्थक्वेक में जो इसकी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ था, फिर 42 से 45 जब जापानियों ने अंडमान को कब्जा किया, जापानीज भी यहाँ पे बंकर्स, अपना रेजिडेंशियल एरियाज, ये सब चीज के लिए इनका टूटा हुआ ब्रिक को रीयूटिलाइज करते हुए चलो उधर ही चलते हैं। जब यहाँ से पहला ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वापस भी भेजा गया, इनको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल। अगले 3 साल तक रत्नागिरी जेल में रहने के बाद 1924 में ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको नजर बंद करके भेज दिया गया। ये सेलर जेल के अंदर हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन फैसिलिटी है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये एक सेल यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी जगह पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दिया गया है, यहाँ के लोकल सिटीजन्स जाने का रास्ता है इसका, और इधर से भी है। ये टॉप पॉइंट पे हम आ गए हैं वॉच टावर पे, ये ऐसा खूबसूरत नज़ारा है। ऑलमोस्ट क्लोज होने जा रहा है, अब हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत भीड़ है। ये सामने नॉर्थ बे आइलैंड, इधर ये रॉस आइलैंड सामने है। सावरकर की ये सेल है, और ये विनायक दामोदर सावरकर का विवरण किया हुआ है पूरा। विनायक दामोदर सावरकर की ये कोठरी थी, इम्प्रिजन सेल, जहाँ पर वो 1911 से 1921 तक कैद रहे। चलो ओरिजिनल दीवार, स्वतंत्र ज्योत,
अब हम जेल से बाहर निकल रहे हैं। सेलुलर जेल, तो सामने एक पार्क है, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सामने सेलुलर जेल है, अभी हम विजिट करके आए हैं यहाँ पे।